नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिंह राशि के जून महीने के राशिफल में। दोस्तों, ये महीना आपके लिए 5 नई खुशखबरी लेकर आएगा। साथ ही आपको इस महीने 2 बार पूर्ण रूप से सावधान रहने की जरूरत है, नहीं तो आपको भयंकर नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आइए चलिए जानते हैं जून महीने में कैसा रहेगा सिंह राशि वालों का भाग्य। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, सिंह राशि एक पुरुष और उग्र राशि है जिसका स्वामी सूर्य है। इस राशि के जातकों का दृष्टिकोण काफी स्पष्ट होता है और इसी के कारण वो अपने फैसले काफी तेजी से लेते हैं। सिंह राशि वाले अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं और वो इसी के अनुसार सारे फैसले लेते हैं। ये लोग अपने काम को लेकर प्रतिबद्धताएं दिखाएंगे और अपने सिद्धांतों के अनुसार काम करेंगे। इस राशि के जातकों के लिए ये महीना काफी अच्छा और अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि बृहस्पति 9वें घर में है और उसकी दृष्टि मून साइन पर रहेगी। शनि 7वें घर में है और मून साइन पर इसकी दृष्टि रहेगी, जिसके कारण आपके संबंधों में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। सिंह राशि वालों को इस ग्रह दशा में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर मुख्य ग्रहों का सारांश निकाले और उसकी बात करें तो शनि ठीक स्थिति में नहीं है, लेकिन वहीं बृहस्पति के प्रभाव से आपको धन और शुभ कार्य जैसे विवाह आदि में काफी फायदा होगा। हो सकता है आप कोई नया बिजनेस भी शुरू करें और नई चीजों में निवेश करना आपके लिए फायदेमंद होगा। इसके अलावा 9वें घर में बृहस्पति के होने से आपको नई ऊंचाइयां मिलेगी, जैसे आपका प्रमोशन हो सकता है और आप अपने करियर में आगे बढ़ेंगे। केतु 3रे घर में मौजूद है और लाभकारी बृहस्पति की दृष्टि से उस पर है। इसी के प्रभाव से सिंह राशि वालों के लिए अध्यात्म के क्षेत्र में काफी यात्राओं का योग है। ये सभी यात्राएं सिंह राशि वालों के लिए अत्यंत लाभकारी साबित होंगी। शुक्र एक लाभकारी ग्रह है और इस महीने में शुक्र अनुकूल स्थिति में रहेगा, जिसके कारण जातकों को आत्मनिर्माण करने का अवसर प्राप्त होगा और इसके फल स्वरूप आप अपने करियर में काफी आगे जा सकेंगे। इस राशि के बारे में पूरे महीने अलग अलग चीजों में क्या कुछ होने वाला है, इसके बारे में विस्तार से पढ़िए। जानिए इस महीने में आपका जीवन कैसा रहेगा, आपके परिवार, व्यवसायिक जीवन, स्वास्थ्य, प्रेम संबंध में क्या कुछ होगा। कार्य क्षेत्र, अगर करियर की बात करें तो सिंह राशि के जातकों के लिए करियर और नौकरी दोनों में ही काफी लाभकारी स्थिति रहेगी, क्योंकि बृहस्पति 9वें घर में स्थित है और उसकी दृष्टि मून साइन पर रहेगी। कार्य का गुरु माना जाने वाला शनि 7वें घर में है और उसकी दृष्टि मून साइन पर रहेगी। इसके प्रभाव से जातकों को करियर में कुछ चुनौतियां सामने आने की संभावना है। आपको अपने साथ काम करने वाले लोगों से कुछ परेशानियां हो सकती हैं और हो सकता है कि आपके दफ्तर में वरिष्ठ अधिकारियों से आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सके। इस राशि के लोगों के लिए एक चीज कारगर साबित होगी कि वो अपने करियर को व्यवस्थित ढंग से प्लान करें, जिससे आगे चलकर उन्हें उन्नति मिलेगी और इसी रास्ते से उन्हें संतुष्टि भी मिलेगी। लाभकारी ग्रह बृहस्पति 9वें घर में होगा और उसकी दृष्टि मून साइन पर रहेगी, इसलिए इस महीने इसके प्रभाव से इस राशि के जातकों को करियर में सफलता मिलेगी। बृहस्पति की अनुकूल दशा के चलते जातकों को सभी परिणाम अपने हक में मिलते रहेंगे। मून साइन पर बृहस्पति की दृष्टि के प्रभाव से जातकों को सुरक्षा मिलेगी और इसी के प्रभाव से वो अपने निर्णय ठोस तरीके से लेने में सक्षम है। बृहस्पति का गोचर जातकों के लिए काफी लाभदायक हो सकता है, खासतौर पर वो लोग जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए इस महीने काफी सारे फायदे होंगे। जो लोग एक से ज्यादा बिजनेस कर रहे हैं या ऐसे करने की योजना कर रहे हैं उनके लिए ये अतिरिक्त लाभकारी साबित होगा। अतिरिक्त बिजनेस आपके लिए फायदेमंद होगा। आर्थिक, बृहस्पति के 9वें घर में होने से और मून साइन पर उसकी दृष्टि से सिंह राशि वालों को पैसे कमाने के लिए और बेहतर तरीके मिलेंगे। इसी के साथ दूसरे घर के स्वामी के रूप में बुध 9वें घर में ताकतवर सूर्य के साथ होगा और इसी की मदद से पैसे कमाने के लिए नए अवसर मिलेंगे। हालांकि 7वें घर में शनि के होने से जातकों को बड़े खर्चों को पूरा करने में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अक्सर शनि की ऐसी स्थिति से जातकों को जल्दबाजी में फैसला लेने के लिए मजबूर करती है और इसी के साथ ज्यादा खर्चों की भी ज्यादा संभावनाएं हैं। वहीं 9वें घर में बृहस्पति की मौजूदगी से जातकों को पैसे कमाने की आरामदायक स्थिति में रखेगा। आपके पास ज्यादा धन कमाने की स्थिति पैदा होगी और वो सहजता से इसे कर पाएंगे। जो जातक बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए इस महीने में बड़े धन लाभ कमाने की काफी संभावनाएं हैं। इसी के साथ आप अपने प्रतिद्वंदियों से भी अच्छी तरह से मुकाबला कर पाएंगे। आप बिजनेस को लेकर नई योजना बनाने में सफल होंगे और ये सभी योजनाएं आपके लिए काफी लाभकारी साबित होगी। स्वास्थ्य, इस महीने में बृहस्पति के 9वें घर में होने से और साथ ही मून साइन पर उसकी दृष्टि के प्रभाव से सिंह राशि के सभी जातक शरीर से बिल्कुल फिट रहेंगे। सिंह राशि के जातकों में इस महीने में अधिक ऊर्जा और ताकत रहेगी
और इसी के प्रभाव से जातकों को स्थिरता हासिल करने में मदद मिलेगी। इन्हीं के साथ शनि सातवें घर में है और मून साइन पर उसकी दृष्टि होगी, जिसके कारण जातकों को अपने जीवन साथी की सेहत को लेकर पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। प्रेम व वैवाहिक जीवन। नौवें घर में बृहस्पति और मून साइन में उसके प्रभाव के फलस्वरूप सिंह राशि के जातकों को इस महीने प्रेम संबंधों में शादीशुदा जीवन में काफी सफलता मिलेगी। प्रेम का ग्रह माने जाने वाले शुक्र इस महीने सिंह राशि वालों के लिए अनुकूल स्थिति में रहे। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, उनके लिए, उनके साथियों के लिए ये महीना लाभकारी होगा। सिंह राशि वालों के लिए प्रेम के संबंध में ये महीना काफी अच्छा होगा और वो अपने मनचाहे साथी के साथ शादी भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर इस महीने प्रेम के लिहाज से जातकों को कुछ अच्छे परिणाम मिले। जो जातक शादी की योजना बना रहे हैं वो सफल होंगे और जो वैवाहिक जीवन में हैं उनके रिश्ते और बेहतर होंगे और वो अपने संबंध को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। पारिवारिक। सिंह राशि के जातकों को इस माह अच्छे परिणाम मिलेंगे क्योंकि ग्रह दशा उनके लिए अनुकूल रहेगी। लाभकारी बृहस्पति नौवें घर में है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य दसवें घर में है और दूसरे घर के स्वामी के रूप में बुध नौवें घर में है। ये सारी ग्रह दिशा लाभकारी होगी और इसी के प्रभाव से सिंह राशि वालों के लिए खुशियों के मौके आते रहेंगे। लेकिन इसी के साथ शनि के सातवें घर में होने के प्रभाव से परिवार में अहंकार के कारण कुछ परेशानियां आने की संभावना है। लेकिन नौवें घर में लाभकारी बृहस्पति के असर से इन सारी दिक्कतों से आसानी से निदान भी होगा। इन बातों का खास ख्याल रखें। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन योग अवश्य करें, जिनमें मुख्यतः 10 मिनट के लिए ओम मंत्र का जाप, 10 मिनट के लिए कपाल भारति व 10 मिनट के लिए अनुलोम विलोम है। इससे आपका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल सही रहेगा। समय समय पर अपने आसपास के निर्धनों की यथोचित सहायता करें व भूखों को भोजन अवश्य कराएं। घर के बाहर गाय, माता व कुत्तों को प्रतिदिन भोजन अवश्य करवाएं। साथ ही घर की छत पर पक्षियों इत्यादियों के लिए दाना पानी भी रखें। जितनी ये पृथ्वी हमारी है उतनी भी उनकी है। प्रतिदिन उनको भोजन कराने से हमें पुण्य मिलता है व ग्रहों के दोष दूर होते हैं। हर मंगलवार सुबह के समय हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें या हनुमान मंदिर होकर आए। इससे आप पर या आपके परिवार पर आया किसी भी प्रकार का संकट दूर होगा व हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। रात को सोने से पहले शांत एवं एकांत जगह में 10 से 20 मिनट के लिए ध्यान अवश्य लगाएं। इससे दो लाभ मिलते हैं, एक तो नींद अच्छी आती है व दूसरा अगले दिन आप तरोताजा अनुभव करते हैं। ध्यान लगाते समय आप मध्यम आवाज में शांत संगीत भी सुन सकते हैं। धर्म यात्रा टिप। यदि इस महीने आपका कहीं किसी यात्रा पर जाने का कार्यक्रम बन रहा है तो ध्यान रखें कि आप वाहन ना चलाएं क्योंकि दुर्घटना होने की संभावना है। हाँ, यदि कोई और वाहन चला रहा है तो आप सुरक्षित हैं। इस राशि वालों के लिए कुछ उपाय हैं जो उन्हें जरूर करने चाहिए। प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्य की पूजा करें। प्रतिदिन आदित्य हृदयम का जाप करें। प्रतिदिन 19 बार ओम भास्काराय नमः का जाप करें। रविवार को विकलांग लोगों को भोजन कराएं। तो दोस्तों, जून महीने के सिंह राशि फल में बस इतना ही। अगर आप भी सिंह राशि से जुड़ी कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।